तो नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव जिस तरह से समीकरण, बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि समाजवादी पार्टी ने 11 लोकसभा सीटों पर प्रभारी तय कर दिए गए हैं। अखिलेश यादव ने तय कर दिया, बहुत बड़ी अपडेट है। जिस तरह से दलित पिछड़े को एक करने में जुटे हैं अखिलेश यादव, और 14 अप्रैल 2023 को जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के मनाने के लिए मध्य प्रदेश जा रहे हैं, जिसमें चंद्रशेखर आजाद, जयंत चौधरी और अखिलेश यादव एक मंच पर भाषण देते हुए सुनाई देंगे। दलित पिछड़े को एकमुश्त करने की कोशिश में अखिलेश यादव बिल्कुल जुटे हुए हैं। बहुत बड़ी खबर आ रही, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव के लिए सबसे ज्यादा फोकस बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने पर दिया है। इसी लक्ष्य के लिए लोकसभावार प्रभारी बनाने के क्रम में 11 लोकसभा सीटों पर प्रभारी तय कर दिए गए हैं। बताते चले कि सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने शुक्रवार को इसकी सूची जारी कर दी। इसके तहत धौरहरा में उन्होंने पूर्व मंत्री नरेश वर्मा, पूर्व विधायक आबिद रजा व राजेश यादव को प्रभारी बनाया है। सिद्धार्थनगर की बात करें तो सिद्धार्थनगर में उन्होंने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे व वरिष्ठ नेता ओंकार सिंह पटेल को, और बात करें शाहजहांपुर में तो भगवत शरण गंगवार व अर्चना वर्मा राजपूत को प्रभारी बनाया है। महाराजगंज में अमरेंद्र निषाद को, कुशीनगर में डॉक्टर मोहिसन किसान सिंह सैंथवार व बंटी राव को, आमला में आबिद रजा व अगम मौर्या को, देवरिया में कनक लता सिंह, अशोक सिंह कुशवाहा को, फरुखाबाद में बात करते हैं तो चंद्रभूषण सिंह मुन्नू बाबू, नवल साक और इरफानु हसन, हाथरस में रामलाल जी सुमन, अमर सिंह यादव को, गाजियाबाद में प्रमोद त्यागी व महेश आर्या व मथुरा में संजय लाठर और उदयवीर सिंह को प्रभारी बनाया। तो बहुत बड़ी अपडेट है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। जिस तरह से अखिलेश यादव एक तरफ रायबरेली में जाकर जो कि मान्यवर कांशीराम साहब की प्रतिमा का अनावरण करते हैं, और साथ में स्वामी प्रसाद मौर्य जो राष्ट्रीय महासचिव हैं समाजवादी पार्टी के, एमएलसी भी हैं, उनके साथ करते हैं, जिस तरह से दलित पिछड़े को एक करने की कोशिश में अखिलेश यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य और तमाम बहुजन समाज पार्टी के जो नेता समाजवादी पार्टी में आ चुके हैं, लगातार जो कि अम्बेडकरवादी और लोहियावादी की धारणा को एक करने की कोशिश, जातिगत जनगणना से लेकर 69,000 शिक्षक भर्ती, और साथ में जिस तरह से कुलपति डिग्री कॉलेज में जिस तरह से SC ST OBC की उसमें एक भी भागीदारी नहीं मानी जा रही है, जिस तरह से ये तमाम मुद्दों को लेकर अखिलेश यादव, और 14 अप्रैल 2023 को अखिलेश यादव, चंद्रशेखर आजाद और जयंत चौधरी एक मंच पर भाषण देते हुए सुनाई देंगे, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछड़े और दलित और साथ में मुसलमान को बिल्कुल एक मुश्त करने की कोशिश चंद्रशेखर आजाद, जयंत चौधरी, अखिलेश यादव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ में पल्लवी पटेल की अपना दल कमेरावादी पार्टी, तमाम ये जो समीकरण बन रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी के पसीने निश्चित तौर पर छूटते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 2024 की लड़ाई जातिगत जनगणना आरक्षण के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए लड़ी जाएगी, जिसमें आपको बताते चले कि लगातार जो कि उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक जो राजनीति गरमाई हुई है, अखिलेश यादव नए पे नया दांव चलते हुए दिखाई दे रहे हैं और दलित और पिछड़ों को एक करने के लिए पूरा दम भरते हुए नजर आ रहे हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।